शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे और बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता और दावेदार मौजूद रहेंगे, वर्तमान विधायक भी शिविर में शामिल होंगे। तो रायपुर में कांग्रेस का संकल्प शिविर है ये, और इस संकल्प शिविर में कई नेता मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता और दावेदार भी मौजूद रहेंगे। रायपुर में कांग्रेस का संकल्प शिविर होना है, वर्तमान विधायक भी इस शिविर में शामिल होंगे। और अच्छा, इस शिविर की खासियत ये रहेगी कि जहां संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को एक तरह से ट्रेन किया जाएगा, और जो विधायक हैं वो आगामी चुनावों में किस तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर सकते हैं, बूथ लेवल पर कैसे मैनेजमेंट होना है, पीसीसी चीफ दीपक बैज खुद मौजूद रहेंगे। और यहाँ जो ऊर्जान्वित करने का काम भूपेश बघेल करने के लिए पहुंचेंगे, और इसके बाद चुनाव में पूरी तरह से उतर जाना है, और इसके लिए वो मुद्दे जिसमें अमूमन देखा जाता है कि चुनाव के समय में जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता उनका विरोध भी रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटना है संभव है, इस बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 40 प्रत्याशियों के नाम तय किए जाना अभी बाकी है, और इसको लेकर बात चल रही है। न्यूज